कमोजले के शहर के अनुभाग में 9 अपराधों के मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 9 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है। पुलिस के द्वारा आरिफ पिता लाल खां उम्र 33 साल निवासी चैनपुरा बजरिया 6, इश्तियाक पिता अनवर बहना उम्र 40 साल निवासी सीताबावली दमोह एवं सिकंदर खां पिता मुन्ना खां उम्र 35 साल निवासी शोभानगर दमोह को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से सामग्री भी बरामद की है। इनको सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा, वह रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं आकाश पिता राकेश जाटव निवासी चैनपुरा, सूरज निवासी चैनपुरा और जाहर पिता हुकुम से निवासी बालाकोट जमुनिया की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के द्वारा इन सभी 3 आरोपियों के पास से कुल जब्तशुदा मशरूका में 8,87,000 रुपये का बरामद किया गया है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। दमोह अनुभाग में थाना कोतवाली और दमोह देहात थाने के संयुक्त प्रयासों से एक नकबजनों की गैंग ट्रेस हुई है। इस नकबजनों की गैंग में 3 आरोपी सिकंदर, आरिफ और इश्तियाक, ये को दस्तयाब किया गया। इनसे बारीकी से पूछताछ की तो हमारे कस्बा दमोह के 7 वारदातें नकबजनी और दमोह देहात थाना क्षेत्र की 2 वारदातें नकबजनी की इन्होंने कबूल की है। और इनमें जो मशरूका चोरी गया था वो भी बरामद हुआ है। इन टोटल 9 वारदातों में 8,70,000 का मशरूका, सोने चांदी जेवरात और नकदी जो है बरामद की। इस गैंग के 3 साथी सूरज, आकाश और जहार ये फरार हैं। जब भी मिलेंगे इनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसका जो वारदात का जो शेष मशरूका है वो इनसे बरामद किया जाएगा। इनकी वारदात का तरीका था कि सिकंदर और इश्तियाक ये रेकी करते थे, एक कबाड़े की जो है ठेला चलाता था और एक जो नाली का निर्माण कार्य का काम करता था, ये दिन में रेकी कर लेते थे। जिसका एक दो दिन से मकान बंद है उस मकान की जानकारी एकत्रित कर देते कि बाहर गया कहीं, और सुने घर को देख करके रात्रि में सुनसान समय पर ये वारदात को अंजाम देते, ताला तोड़ करके नकल लगा करके वारदात करते थे और ये माल आपस में बांट देते थे। तो ये जो 8 लाख से अधिक का मशरूका जो बरामद हुआ है ये गिरफ्तार शुदा 3 आरोपियों से बरामद हुआ है। शेष माल जो है आरोपी की शेष तलाश की जा रही है। जो फरार आरोपी हैं शीघ्र इनको दस्तयाब किया जाएगा, इनसे बिल्कुल की जाएगी। साथ ही इन आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी वारदात खुलने की जो है उम्मीद की जा रही है। इस वारदात को ट्रेस करने में, पकड़ने में, बरामदगी में दोनों थाना प्रभारी कोतवाली और दमोह देहात और स्टाफ ने काफ़ी मदद की है। उचित पूछताछ की जाएगी।